आज के इस कार्यक्रम में निशस्त दिल्ली कविता कारवां के इस कविता के कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं निशस्त दिल्ली कविता कारवां एक ऐसी मुहिम है जो कविताओं के साथ हमें जोड़ती है और कविताओं के जरिए हम सबको जोड़ती है। और आप जानते हैं यहाँ पर हम अपनी पसंद की कविताएं साझा करते हैं और वो पसंद की कविताएं हमारी अपनी लिखी नहीं होती, ये एक बुनियादी बात है कविता कारवां की। और इसी बुनियादी बात के साथ हमारी तमाम बैठकें होती हैं, महफिलें होती हैं और ये सिलसिला पिछले 4 सालों से चलता आ रहा है। और इस कोरोना टाइम में जबकि हम बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं और ऑनलाइन माध्यम से ही मिल पा रहे हैं हम, तो फिर हमें लगा कि हमें भी इस माध्यम से अपने साथियों से, कविता के चाहने वालों से मिलना चाहिए। बहुत वक्त हो गया है, कई महीने हो गए हैं और हमारे बीच में कविता का ये पुल बना रहना चाहिए। जैसा कि किसी शायर ने कहा भी है, दिलों के फासले बढ़ने से पहले ये पुल तामीर होना चाहिए था। तो कविता कारवां वो पुल है जो हम बनाना चाहते हैं तमाम लोगों के बीच में, और ये एक संवाद का पुल है, एक रिश्तों का पुल है और समाज को मिलकर देखने, समझने, अपने सुख दुख सपने बांटने का पुल है। उसी पुल की इस कड़ी में जो ऑनलाइन आज चल रही है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और तमाम तरह की कविताएं हम आज सुनेंगे अपने मौजूद साथियों से। कुछ साथी आ नहीं पाए, हमारे जो साथी आज हैं यहाँ पर ख़ास तौर से ज़्यादातर लोग दिल्ली से हैं और उत्तराखंड से भी साथी हैं, उनसे हम कविताएं सुनेंगे और अलग अलग रंग की कविताएं हम उनसे सुनेंगे। हमारे जितने भी साथी यहाँ पे शामिल हैं आज की इस बैठक में, जैसे चंद्र भाई ने कहा कि हम 15 अगस्त को एक बैठक कर रहे होंगे जिसमें निशस्त से जुड़े तमाम साथी अपनी पसंद की कविताएं साझा कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले आज जो भी साथी यहाँ पे हैं ये वो साथी हैं जो कविताओं को हर मुमकिन इंसान तक पहुँचाना चाहते हैं, कविताओं के साथ जीते हैं, कविताओं की ताकत पहचानते हैं। और कोई कोई साथी तो ऐसे हैं जिन्हें बस बात बात पर कोई ना कोई कविता याद आ जाती है, कोई शेर याद आ जाता है, ऐसा लगता है ये उसी के साथ जीते हैं, उसी के साथ रहते हैं, उसी के साथ सोते हैं, जागते हैं। ऐसे ही हमारे एक साथी हैं जावेद भाई। तो जावेद जी, मैं आपको अपनी पसंद की कविता सुनाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आप तो पता नहीं, ख्याल जो आपको सपने आते हैं वो भी कविताओं में ही आते हैं लगता है, और आप कविता पढ़ भी रहे हैं जिसका शीर्षक है मेरे ख्यालों में बसने वाली, नसीम अख्तर अंसर की। जावेद, बहुत शुक्रिया सुभाष जी, और सबसे पहले आदाब हाजरी, सभी दोस्तों को मेरा सलाम। एक शेर के साथ इस नज़्म की शुरुआत करूंगा कि नदी का शोर नहीं है ये आबसार का है, अब इसके आगे जो रास्ता है वो उतार का है, और तमाम जिस्म को आंखें बना के राह तक, तमाम खेल मोहब्बत में उतार का है। ये एक बहुत खूबसूरत नज़्म जो मेरी बड़ी पसंदीदा नज़्म है, नसीम अख्तर अंसारी भोपाल से जिनका ताल्लुक़ है, उनके तसव्वुर, उनके ख्यालों में बसने वाली जो उनकी महबूबा है, जो हसीना है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो उसी चीज़ को उन्होंने नज़्म में पिरोया है, किस तरह, किस खूबसूरती के साथ उसका आप मज़ा लीजिए कि मेरे ख्यालों में बसने वाली हसीना हरगिस नहीं है ऐसी, मेरे ख्यालों में बसने वाली हसीना हरगिस नहीं है ऐसी कि जिसकी रंगत गुलाब जैसी, जबीन है आफ्ताब जैसी, निगाह उबलती शराब जैसी, अदा अदापुर शबाब जैसी, बदन मुसव्विर का जहनी खाका, मचलते गेसूं महकते आरिज, लिबास रंगी धनक के मानिंद, जो सिर्फ कारों में घूमती है, जो सिर्फ बंगलों के ख्वाब देखे, जो सिर्फ शाइख को माल उधर की, जो सिर्फ ऊंचा समाज देखे, जो दूसरों को हकीर समझे, जो सिर्फ जो मुफलिसों को रजील जाने, जलील समझे जो आदमी को, जिसे की कदरे वफा नहीं को, मेरे ख्यालों में बसने वाली हसीना हरगिस नहीं है ऐसी। तुम्हारी रंगत सलोनी होती, तुम्हारे कपड़े गलीज होते, तुम्हारी जुल्फों में उलझे होते जो चंद तिनके, जो थोड़ा कचरा, तुम अपनी फिक्रों में खोई होती तो तुमसे शायद मैं प्यार करता।
तुम्हारी रंगत सलोनी होती, तुम्हारे कपड़े गलीज होते, तुम्हारी जुल्फों में उलझे होते जो तंद तिनके जो थोड़ा कचरा, तुम अपनी फिक्रों में खोई होती तो तुमसे शायद मैं प्यार करता, तुम्हें मुबारक तुम्हारी दुनिया। ये जाहो हसमत, ये मालो दौलत, ये नर्म सोफे, ये जेब व जीनत, उदास कालीन शान शौकत, हसीन कारे अजीम बंगले, ये नौकरों का हुजूम बेजा, ये लोग ऊंचे समाज ऊंचा, ये कह कहो की खुशी की बस्ती, गरीब शायर हूँ अहले गम का, मैं अहले गम में पनाह लूंगा, मेरे ख्यालों में बसने वाली हसीन हरगिस नहीं है ऐसी कि जिसकी रंगत गुलाब जैसी, जमीन है आफ्ताब जैसी। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई, आपकी तो बात ही कुछ और है, आपके हर शेर पढ़ने का अंदाज निराला है और आपने ये खूबसूरत सी नज़म पढ़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं, मुझे याद आती है दुष्यंत कुमार की दो पंक्तियाँ, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये पिघलने की बात कविता को लेकर के बहुत मायने रखती है, कविता कविता में इतनी ताकत है कि वो लोहे को पिघला सकती है, और ऐसी ही कुछ बात लेकर हमारी साथी प्रेरणा निर्मल हमारे सामने आ रही है कविता, और जहाँ पर मेरे बदन में पिघलता और आगे क्या वो बताएंगी। प्रेरणा जी आइए। बहुत शुक्रिया सुभाष जी, निशस्त दिल्ली की इस ऑनलाइन महफिल में मुझे शामिल करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कविता के बारे में काफी कुछ आपने समझा दिया है, तो अब मैं सीधा कविता ही पढ़ देती हूँ। ये कविता है राजेंद्र मनचंदा बानी की लिखी हुई, मेरे बदन में पिघलता हुआ सा कुछ तो है। मेरे बदन में पिघलता हुआ सा कुछ तो है, एक और जात में ढलता हुआ सा कुछ तो है। मेरी सदा ना सही, हाँ मेरा लहू ना सही, ये मौज मौज उछलता हुआ सा कुछ तो है। कहीं ना आखिरी झोंका हो मिटते रिश्तों का, ये दरमियां से निकलता हुआ सा कुछ तो है। नहीं है आंख के सहरा में एक बूंद शराब, मगर ये रंग बदलता हुआ सा कुछ तो है। जो मेरे वास्ते कल जहर बन के निकलेगा, तेरे लबों पे संभलता हुआ सा कुछ तो है। ये अक्स पैकरे सद लम्स है नहीं न सही, किसी ख्याल में ढलता हुआ सा कुछ तो है। बदन को तोड़ कर बाहर निकलना चाहता है, ये कुछ तो है, ये मचलता हुआ सा कुछ तो है। किसी के वास्ते होगा प्याम या कोई कहर, हमारे सर से ये टलता हुआ सा कुछ तो है। ये मैं नहीं न सही अपने सर्द बिस्तर पर, ये मैं नहीं न सही अपने सर्द बिस्तर पर, ये करवटे सी बदलता हुआ सा कुछ तो है। वो कुछ तो था मैं सहारा जिसे समझता था, वो कुछ तो था मैं सहारा जिसे समझता था, ये मेरे साथ फिसलता हुआ सा कुछ तो है। बिखर रहा है फजा में ये दूध रोशनी का, उधर पहाड़ गलता हुआ सा कुछ तो है। वो कुछ तो था से जो कट रहा है गाम बरगाम, ये अपनी राह बदलता हुआ सा कुछ तो है। जो चाटता चला जाता है मुझको ऐबानी, जो चाटता चला जाता है मुझको ऐबानी, ये आस्तीन में पलता हुआ सा कुछ तो है। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब प्रेरणा। कुछ तो है, मुझे लगता है कि हर कविता में कुछ तो है जो हमारे दिल के करीब आ जाती है, कोई भी कविता हमें पसंद आती है, हमें झकझोरती है, हमें ललकारती है, हमें प्रेरित करती है। तो मुझ कहते हैं कि हर कविता पढ़ने वाला इंसान, हर कविता पसंद करने वाला इंसान
जितनी ज्यादा कविताएं पसंद करता है वो उतना ज्यादा ज्यादा जवान होता चला जाता है। ऐसी क्या बात है कविता में कि कविताओं के साथ से इंसान जवान होता चला जाता है? मुझे नहीं मालूम, पर अगली जो नज्म, अगली जो कविता आ रही है आपके सामने, वो आपने पहले भी सुनी होगी लेकिन इस समय आप हिना कौसर की आवाज़ में सुनेंगे। अभी तो मैं जवान हूँ, हफीज आलमगीर साहब की हिना। आदाब। यू नो, एजिंग इज आल्सो अ स्टीरियोटाइप। As people age, there are certain kind of behavior patterns or attitude that we actually imagine with people who are more in number. I would call them more in number in terms of age than us. And so today I'm going to read a poem which breaks that stereotype. And especially this poem is relevant during the times of lockdown, because we know that people, as we call them aged, but I call them people who are ahead in numbers than us, those people are more at risk. So, you know, there is some kind of discomfort or there is some kind of fear in their minds. So I'm dedicating this poem to all of them. If it is about enjoying beautiful things of life, don't, age cannot stop you. You know, there are so many beautiful things around you. You're still young. It's the youthful spirit that matters. So here is the poem, Abhi Toh Main Jawan Hoon by Hafiz Jalandhari. Pesh hai. Hawa bhi khushgawar hai, gulon pe bhi nikhar hai. तरन्नुम में हजार है, बहार पुर बहार है। कहाँ चला है साकिया, इधर तो लौट, इधर तो आ। अरे ये देखता है क्या, उठा सुबह, सुबह उठा, सुबह उठा, प्याला भर, प्याला भर के दे इधर। चमन के समत कर नजर, समा तो देख बेखबर। वो काली काली बदलियां उफक पे हो गई आया। वो एक हुजूम मैं कशा सूए मैं कदा रवा। ये क्या गुमा है बदगुमा, समझ न मुझको ना तवा। ख्याल जहद अभी कहां, अभी तो मैं जवान हूं। इबादतों का जिक्र है, नजात की भी फिक्र है। जुनून है सवाब का, ख्याल है अजाब का। मगर सुनो तो शेख जी, अजीब शे हैं आप भी। भला शबाब आशिकी अलग हुए भी हैं कभी। हसीन जलवरेज हों, अदाएं फितना खेज हों, हवाएं इत्र बेज हों, तो शौक क्यों न तेज हों। निगार हाय फितना गर, कोई इधर कोई उधर। उभरते हों अर्श पर, तो क्या करे कोई बशर। चलो जी किस्सा मुख्तसर, तुम्हारा नुक्ता ए नजर दुरुस्त है तो हो, मगर अभी तो मैं जवान हूं। ये गश्त कोह सार की, ये सैर जुए बार की, ये बुलबुलों के चह चहे, ये गुल रुखों के कह कहे। किसी से मेल हो गया तो रंजो फिक्र खो गया। कभी जो बख्त सो गया, ये हंस गया वो रो गया। ये इश्क की कहानियां, ये रस भरी जवानियां, उधर से मेहरबानियां, इधर से लंतरानियां। ये आसमान ये जमी, नजा रहा ये दिल नशी। इन्हें हयात आफरी, भला मैं छोड़ दू यूं ही। है मौत इस कदर करी, मुझे न आएगा यकीन। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो मैं जवान हूं। न गम कुशूद बस्त का, बुलंद का न पस्त का, न बूद का न हस्त का, न वादाए अलस्त का। उम्मीद और यास गुम, हवास गुम, कयास गुम, नजर के आस पास गुम। हमा बजुस गिलास गुम, न मैं में कुछ कमी रहे, कदा से हम दमी रहे, नशिस्त ये जमी रहे। आई रीड दिस लाइन अगेन बिकॉज दिस इज अबाउट आर नशिस्त ऑल्सो। न मैं में कुछ कमी रहे, कदा से हम दमी रहे, नशिस्त ये जमी रहे, यही हमा हमी रहे। वो राग छेड़ मुत्रबा, तरफ फजा अलम रुबा, असर सदाए सास का, जिगर में आग दे लगा। हर एक लब पे हो सदा, न हाथ रोक साकिया, पिलाए जा पिलाए जा, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं। शुक्रिया।
बहुत तो बहुत खूब हीना। और मुझे मालूम है जब भी कोई कविता पढ़ रहा होता है तो उधर हमारे जावेद भाई हैं, उन्हें कुछ न कुछ उनके दिमाग में चल रहा होता है। जावेद भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या कुछ देर से? जी सुभाष जी, एक शेर याद आ रहा था मुझे जी, कि हैरतों के सिलसिले सोजे निहां तक आ गए, हम तो दिल तक चाहते थे तुम तो जहां तक आ गए, और खुद तुम्हें चाहते गरीबा का शऊर आ जाएगा, तुम वहां तक आ तो जाओ हम तहां जहां तक आ गए। क्या बात है जावेद भाई, यही तो आपकी बात है। बहुत खूब। कहते हैं कि जवान होने का ताल्लुक उम्मीद भरे होने से है, जब तक आप उम्मीद से भरे हुए हैं आप जवान हैं। और हमारे साथी जसप्रीत आए, इससे पहले मैं एक दो साथी हम वीडियो पे नहीं देख पा रहे हैं, अगर मिलिंद यहाँ हैं और महेश जी भी शायद हैं, तो मिलिंद इनके बाद हम आपको बुलाएंगे, आप तैयार रहें। पर अभी हम जसप्रीत की तरफ चलते हैं जो हमें सुना रहे हैं गालिब का कलाम कोई उम्मीद। जसप्रीत जी नमस्कार और शुक्रिया सुभाष जी, मैं मिर्ज़ा गालिब की कोई उम्मीद बर नहीं आती पढ़ूंगा, और क्योंकि मैं इसे गाने की कोशिश करूंगा तो जो जहमत आपको उठानी पड़ेगी उसकी मैं पहले ही माफी मांगू। तो मैं शुरू करता हूँ। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, जानता हूँ सवाब तो जहद, जानता हूँ सवाब तो जहद, पर तबीयत इधर नहीं आती, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती, क्यों ना चीखूं के याद करते हैं, क्यों ना चीखूं के याद करते हैं, मेरी आवाज दर नहीं आती, दागे दिलगर नजर नहीं आता, दागे दिलगर नजर नहीं आता, भू भी है चारागर नहीं आती, हम वहां हैं जहां से हमको भी, हम वहां हैं जहां से हमको भी, कुछ हमारी खबर नहीं आती, मरते हैं आरज़ू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती,
शर्म तुमको मगर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब बहुत खूब जसप्रीत। और जसप्रीत ने जिस ढंग से कविता को हमारे सामने रखा, जिस म्यूजिकलिटी के साथ रखा, उससे मुझे ये बात ध्यान में आई कि कविताएं हमारे दिल में अलग अलग ढंग से जगह बनाती हैं, हम अलग अलग ढंग से हमारे अंदर बसती हैं, और जिस भी ढंग से बसती हैं उसी ढंग से उसको अभिव्यक्ति देने का मंच भी है कविता कारवां निशस्त। यहाँ पे खुली छूट है कि आप कविता को गा सकते हैं, कविता के साथ झूम सकते हैं, कविता के साथ आपका जो रिश्ता है उसको दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। और ऐसा करने वालों में ज़रूरी नहीं है कि कविता के कोई बड़े ज्ञानी या बड़े बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ आती हों, कोई भी व्यक्ति जो कविता से प्रेम करता है, कोई भी साधारण जन, उसके लिए ये मंच है। ऐसा नहीं है कि आप कविता लिखते हों तब आप यहाँ हों, ऐसा नहीं है कि आपने बहुत कविताएं पढ़ी हों तब आप यहाँ हैं। अगर आपने चंद कविताएं पढ़ी हैं और आपको कविताएं पढ़ना पसंद है तो आप इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं, मेरी तरह जो बिल्कुल एक साधारण पाठक है, और आपको मेरे बोलने से भी लग रहा होगा तो हम जुड़ सकते हैं इससे। और अब इसके बाद हमारे उत्तराखंड से साथी हैं मिलिंद, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी कविता पढ़ें। जहाँ तक मुझे मालूम है वो गोपाल दास नीरज की कविता पढ़ रहे हैं, मेरा नाम लिया जाएगा। मिलिंद। शुक्रिया सुभाष जी और निशस्त दिल्ली के साथियों को और कविता कारवा के समस्त साथियों को। मैं कविता कारवा उत्तराखंड की तरफ से मिलिंद दोस्त का नमस्कार। और मैं जो आज कविता पढ़ रहा हूँ गोपाल दास नीरज जी की, अभी पीछे उनकी पुण्य गई है तो गुजरी है, तो हम उन्हीं को याद करते हुए इस कविता को कर रहा हूँ। आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा, जहाँ प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा। मान पत्र मैं नहीं लिख सका राजभवन के सम्मानों का, मैं तो आशिक रहा जन्म से सुंदरता के दीवानों का, लेकिन था मालूम नहीं ये केवल इस गलती के कारण, सारी उम्र भटकने वाला मुझको शाप दिया जाएगा। खिलने को तैयार नहीं थे तुलसी भी जिनके आंगन में, मैंने भर भर दिए सितारे उनके मटमैले दामन में, पीड़ा के संग रास रचाया आंख भरी तो झूम के गाया, जैसे मैं जी लिया किसी से क्या इस तरह जिया जाएगा। आंसू जब सम्मान होंगे मुझको याद किया जाएगा, काजल और कटाक्षों पर तो रीझ रही थी दुनिया सारी, मैंने किंतु बरसने वाली आंखों की आरती उतारी, रंग उड़ गए सब सतरंगी, तार तार हर सांस हो गई, फटा हुआ यह कुर्ता अब तो ज्यादा नहीं सिया जाएगा। आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा। और आखिरी इसका बंद है, जब भी कोई सपना टूटा मेरी आंख वहां बरसी है,
तड़पा हूँ मैं जब भी कोई मछली पानी को तरसी है। गीत दर्द का पहला बेटा दुख है उसका खेल खिलौना। कविता तब मीरा होगी जब हंस कर जहर पिया जाएगा। आंसू जब सम्मानित होंगे मुझको याद किया जाएगा। जहां प्रेम का चर्चा होगा मेरा नाम लिया जाएगा। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद। आंसुओं की बात जहां होगी मेरा नाम लिया जाएगा, कविता की बात जहां होगी कविता कारवां का नाम लिया जाएगा। और ये इत्तेफाक है कि जसप्रीत ने जिस ढंग से सुर दिया और फिर मिलिंद ने जोड़ा, तो मैं सोच रहा हूँ उस क्रम को आगे क्यों ना बढ़ाया जाए और हमारी कौसर इस्माइल जी को दावत दी जाए उनकी नज़्म अरे हीरो की शक्ल में, रहमान फारिस की अरे हीरो कौसर। आदाब सभी को। ये रहमान फारिस की नज्म है, मैं गा नहीं रही हूँ, ऐसे ही सुनाऊंगी। इरफान खान हमारे सभी के पसंदीदा एक्टर अदाकार रह चुके हैं और हाल ही में उनका निधन हुआ, तो इरफान खान की नज़र करी है उन्होंने ये नज्म, मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसे लगा जैसे हमारी सबकी आवाज़ उन तक पहुँचाने की कोशिश हो रही है, तो पेश करती हूँ। अरे हीरो, अरे हीरो अदाकारी न कर, अरे हीरो अदाकारी न कर, चल उठ के लाखों दिल तेरी आंखों से धड़कन लेने आए हैं। अरे हीरो अदाकारी न कर, चल उठ के लाखों दिल तेरी आंखों से धड़कन लेने आए हैं। चलो माना तेरी आंखें कुछ ऐसी थीं कि इस बेकार सैयारे पे उनका देर तक रहना ना बनता था, मगर प्यारे 53 साल तो कुछ भी नहीं होते, तो क्यों खामोश है, कुछ कह कि तेरी बेकरां आवाज में तो लाखों सदियों की सदाएं थीं। 53 साल तो कुछ भी नहीं होते, तो क्यों खामोश है, कुछ कह कि तेरी बेकरां आवाज में तो लाखों सदियों की सदाएं थीं। तेरे चेहरे का हर गहरा तासुर ऐसा चरखा था कि जिस पर अपने जज्बे काटते थे हम, सो इस चरखे की कूक अब किस लिए चुप है। कहानी का हिदायतकार भी शायद तेरी आंखों की गहराई से खायफ था, कहानी का हिदायतकार भी शायद तेरी आंखों की गहराई से खायफ था। वो मिल जाए तो पूछेंगे कि इस किरदार का अंजाम क्यों इतना अचानक है। चल आंखें खोल, तुझसे मिलने झोपड़ पट्टी वाले बच्चे आए हैं, किसी को भी यकीन आता नहीं है तेरे जाने का, किसी को भी यकीन आता नहीं है तेरे जाने का। सो उठकर बैठ बिल्लू बारबर और देख तेरा दोस्त साहिर खान आया है, उसे लगता है उसके रोते रोते तू उठेगा और कहेगा यार गम मत कर, गुलों की जिंदगानी मौत से कब खत्म होती है, मोहब्बत की कहानी मौत से कब खत्म होती है। अरे हीरो अदाकारी लगर, चल उठ। थैंक यू। बहुत खूब शुक्रिया आपका, माफी चाहता हूँ मैंने आपसे गाने की उम्मीद रखी और आप आज दूसरे मूड में और दूसरी खूबसूरत कविता लेके आए थे, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और अगर महेश जी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, हेलो महेश जी। जी जी नमस्कार। जी नमस्कार। तो महेश जी हम आपको देख तो नहीं पा रहे हैं, इंटरनेट की जरूर प्रॉब्लम होगी, लेकिन जी, जी, यहाँ पर प्रॉब्लम है जी, हम सुन सकते हैं आपको। आप त्रिलोचन जी की जो कविता पढ़ना चाहते थे उसका स्वागत है बहुत बहुत। चंपा काले काले अक्षर नहीं छीनती, महेश जी आपको सुन रहे हैं। जी धन्यवाद सुभाष जी और सभी साथियों को जो कविता कारवां के इस आयोजन में आज यहाँ पर शामिल हैं, सभी को
मेरा अभिवादन। मैं त्रिलोचन की एक बहुत चर्चित कविता आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा। और त्रिलोचन जनवादी कविता त्रयी के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। नागार्जुन, त्रिलोचन और केदार की जो त्रयी थी तो उस काल के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। और तो प्रस्तुत है उनकी कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। ये इस कविता का शीर्षक है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूं वह आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है। इन काले काले चिन्हों से कैसे यह सब स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर सी लड़की है, चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसे रखता है। चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नत खट भी है। मुझे लगता है कि हम महेश जी को फिर सुनेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि वो फिर से पढ़ें इसको। हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं दावत देता हूँ अपने साथी शालिनी को, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता पढ़ेंगी तुम्हारे साथ रहकर। शालिनी, मैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना पढ़ने जा रही हूँ, तुम्हारे साथ रहकर। Actually, this composition celebrates that companionship amongst people which liberates and empowers each other. So here it goes. तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि दिशाएं पास आ गई हैं, हर रास्ता छोटा हो गया है, दुनिया सिमट कर एक आंगन सी बन गई है जो खचा खच भरा है, कहीं भी एकाकीपन नहीं, ना बाहर ना भीतर। हर चीज का आकार घट गया है, पेड़ इतने छोटे हो गए हैं कि मैं उनके शीश पर हाथ रखकर आशीष दे सकती हूँ। आकाश हृदय से टकराता है, मैं जब चाहूं बादलों में मुंह छिपा सकती हूँ। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ है कि हर बात का एक मतलब होता है, यहाँ तक कि घास के हिलने का, हवा का खिड़की से आने का और धूप का दीवार पर चढ़कर चले जाने का। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगता है कि हम असमर्थताओं से नहीं संभावनाओं से घिरे हैं। हर दीवार में द्वार बन सकता है और हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। शक्ति अगर सीमित है तो हर चीज अशक्त भी है, भुजाएं अगर छोटी हैं तो सागर भी सिमटा हुआ है। सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। जीवन और मृत्यु के बीच में जो भूमि है, जीवन और मृत्यु के बीच में जो भूमि है, वो नियति की नहीं मेरी है, वो नियति की नहीं मेरी है। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस होता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी। एक अलग रंग और अर्थ की कविता आपने हम सबके सामने रखी। उम्मीद है हमारे जो तमाम श्रोता हमसे बाहर तो ऑफलाइन ऑनलाइन हैं, वहाँ तक ये कविताएं सब पहुँचेंगी। महेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। उस समय वो जी नटखट सी वाली लाइन पर हम डिस्कनेक्ट हो गए थे और हम एक बार और कोशिश कर सकते हैं कि आप शुरू से अगर सुना दें, इस बार देखते हैं, शुरू से कृपया सुनाएं। जी जी, हम सुन रहे हैं। अब आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल, बहुत अच्छे से आ रही है, हम सुन रहे हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, उसे बड़ा अचरज होता है। इन काले चिन्हों से कैसे यह सब स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गायें भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी। कभी कभी उधम करती है,
कभी कभी वह कलम चुरा देती है, जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूं पाता हूं अब कागज गायब, परेशान हो फिर हो जाता हूं। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। तो ये निश्चित हो गया है कि महेश जी जहाँ हैं वहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम कितनी है, और हमारे उत्तराखंड की बैठकों में ऐसा ही होता रहा, काफ़ी आदि हैं हम इस बात के, बीच में उड़ जाते हैं लोग। और महेश जी आप महेश जी हाँ वो हाँ हाँ आगे बढ़िए। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम हुआ बहुत, क्या यह काम बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूं, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा सुभाष जी यह डिजिटल इंडिया जी, तो जहां से आप जहां कहे हाँ, आगे आगे बढ़ते हैं वहीं से। यह सुनकर मैं हंस देता हूं, फिर हाँ। चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गारे काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा तुम गोने जाओगी, ब्याह तुम्हारा होगा तुम गोने जाओगी, उस दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कभी जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, और खुशी की बात यह है कि हम पूरी कविता सुन पाए, अच्छा लग रहा है। तमाम दिक्कतों के बावजूद आप की कविता और इतनी खूबसूरत कविता, कलकत्ता पर बजर गिरे और पढ़ाई की बात, झूठ की बात। ब्रिजेश अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात, तो मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहता हूं। ब्रिजेश आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, और इंतज़ार शत्रु है, और वही कविता आपकी भी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, इंतजार शत्रु है, ब्रिजेश हमारे साथ ही पढ़ रहे हैं। जी सभी को नमस्कार, मैं थोड़ा देर से जुड़ा उसके लिए भी माफी चाहता हूँ। तो मैं सर्वेश्वर सक्सेना की एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है इंतजार। इंतजार शत्रु है उस पर यकीन मत करो, इंतजार शत्रु है उस पर यकीन मत करो, वो जाने किन झाड़ियों और पहाड़ियों में घात लगाए बैठा रहता है, वो जाने किन झाड़ियों और पहाड़ियों में घात लगाए बैठा रहता है, और हम पत्तियों की चरमराहट पर कान लगाए रहते हैं। इंतजार शत्रु है उस पर यकीन मत करो, वो छापामार सैनिक की तरह खुद अंधेरे में रहता है और हमें उजाले में खड़ा देखता रहता है मौके की तलाश में। इंतजार शत्रु है उस पर यकीन मत करो, वो छापामार सैनिक की तरह खुद अंधेरे में रहता है और हमें उजाले में खड़ा देखता रहता है मौके की तलाश में, और हम अंधेरे में टॉर्च की रोशनी ही फेंकते रहते हैं इंतजार शत्रु है उस पर यकीन मत करो, वो हमें नदी बनाकर हमारे बीच से ही मछली की तरह अदेखा तैर जाता है, और हम लहरों के असंख्य हाथों से उसे टटोलते रहते हैं।
वो हमें नदी बनाकर हमारे बीच से मछली की तरह अदेखा तैरता जाता है और हम लहरों के असंख्य हाथों से उसे टटोलते रहते हैं। इंतजार शत्रु है, इंतजार शत्रु है, उस पर यकीन मत करो। वो हमें नदी बनाकर हमारे बीच से ही मछली की तरह अनदेखा तैर जाता है और हम लहरों के असंख्य हाथों से उसे टटोलते रहते हैं। इंतजार शत्रु है, उस पर यकीन मत करो, उससे बचो। जो पाना है फौरन पालो, जो करना है फौरन करो, क्योंकि इंतजार शत्रु है, उस पर यकीन मत करो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश। और यहाँ पर ये सारे जो लोग हैं जो कविताओं की इस मुहिम में शामिल हैं, और ये टीम अब बढ़ती जा रही है हिंदुस्तान भर में, उत्तराखंड में, तो पूरे उत्तराखंड भर में लोग हैं कविता कारवां के साथ, और दिल्ली निशस्त के साथ, मुंबई में कुछ साथी हैं, लखनऊ में कुछ साथी हैं। हम उनको भी याद करना चाहते हैं इस मौके पर, और बताना चाहते हैं कि ये वो साथी हैं जो अपने तमाम मशरूफियात के बीच और मुश्किलात के बीच इस मुहिम को आगे चला रहे हैं। कोई छोटा पुश करता है, कोई बड़ा पुश करता है, वो अलग बात है, लेकिन सब लोग साथ हैं। और कईयों की मुलाकात यहाँ पर, बड़ी टीम है तो यहाँ पर पहली बार भी हो रही है, ये भी है। बहुत अच्छा है कि हम सब साथ हैं और आज ये पहला ऑनलाइन कार्यक्रम हो पा रहा है, और ये कार्यक्रम हो पा रहा है इसके पीछे जो साथी हैं हमारे, चंद्र भाई, वो मंद मंद मुस्करा रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। चंद्र भाई, हम आगे बढ़ते हैं और अब हम हमारी दिल्ली की साथी पूजा को आमंत्रित करते हैं कि वो अपनी कविता पढ़ें, विनोद कुमार शुक्ल की, जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे। पूजा। शुक्रिया सुभाष जी, और मेरे सभी साथियों का शुक्रिया, सुनने वालों का शुक्रिया। आज मैं विनोद कुमार शुक्ल की अपनी पसंदीदा कविता जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे वो आप सबके सामने पेश करती हूँ। जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। एक उफनती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर, नदी जैसे लोग, नदी जैसे लोगों से मिलने नदी किनारे जाऊंगा। कुछ तैरूंगा और डूब जाऊंगा। पहाड़, टीले, चट्टाने, तालाब, असंख्य पेड़, खेत कभी नहीं आएंगे मेरे घर। खेत खलिहानों जैसे लोगों से मिलने गांव, गांव, जंगल, गलियां जाऊंगा। जो लगातार काम से लगे हैं, मैं फुर्सत से नहीं उनसे एक जरूरी काम की तरह मिलता रहूंगा। इसे मैं अकेली आखिरी इच्छा की तरह, सबसे पहली इच्छा रखना चाहूंगा। शुक्रिया। कविता छोटी थी और आशा करूंगी कि आप सब लोगों को जरूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। हमारा मानना है कि कोई भी कविता छोटी नहीं होती, जो भी कविता आपके दिल के पास बैठ जाती है वो कविता किसी भी बड़ी कविता के बराबर ही होती है। और जावेद भाई की मुस्कान से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कहना चाहते हैं। जी सुभाष जी, एक शेर मुझे याद आ रहा है जो पूरी निश्चित टीम की नजर करना चाहूंगा मैं, कि हर दर्द पहन लेना हर ख्वाब में खो जाना, हर दर्द पहन लेना हर ख्वाब में खो जाना, क्या अपनी तबीयत है हर शख्स का हो जाना, और आना तो बिखर जाना सांसों में महक बन कर, जाना तो कलेजे में कांटा सा चुभ जाना। जी सुभाष, बहुत खूब, क्या मारक है। और ये जो कोविड का समय आया है, ऐसा लग रहा है ये सदियों से हमारे साथ है और न जाने कब तक रहेगा। तो आलिम खुर्शीद की ये दो लाइन में पढ़ना चाह रहा हूँ आज के हालात पर, कि तेरे पास आने में आधी उम्र गुजरी है, आधी उम्र गुजरेगी तुझसे दूर जाने में। कुछ ऐसे ही एहसास के बीच आजकल हम रह रहे हैं, और लेकिन इसलिए भी हमारा ऑनलाइन आना और आपस में मुलाकात करना, कविताओं का साझा करना बहुत ज़रूरी हो गया था। सभी लोगों को ऐसा लगा और इस मुहिम को हम आगे भी बढ़ाएंगे। आप लोगों की कविता सुनते सुनते मुझे भी जोश तो आ गया था कि कविता पढ़ें, पर मुझे लगता है कि हम यहाँ पे रुक सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, सीधे कविता पर आता हूँ। संजय कुंदन की कविता महाबली का डर। वह नींद में कोड़े फटकारता है,
और चिल्लाता है वैज्ञानिकों डॉक्टरों पर, जल्दी शोध पूरा करो, हमें दवा चाहिए, टीका चाहिए इस बीमारी का। वह परेशान है अपने देश में लाशों के लगते ढेर से नहीं, आकाश की बढ़ती नीलिमा से, नदियों के पारदर्शी होते पानी से, साफ और भार मुक्त होती हवा से। वह घबराया हुआ है कि सड़कों पर बेफिक्र दौड़ रहे हैं हिरण, फुटपाथों पर धमा चौकड़ी मचा रहे ऊद बिलाव, संग्रहालय का निरीक्षण कर रही पेंगुइनें, समुद्र तट पर लौट आई हैं डॉल्फिनें, समुद्र तट पर लौट आई हैं डॉल्फिनें, लौट आए हैं लहरों के राजहंस। एक शहर की जिंदगी में फिर से दाखिल हुआ एक पहाड़, जैसे तीरथ करके वापस आए हों कोई बुजुर्गवार। एक गोरा आदमी बीमार काले आदमी के आंसू पोंछ रहा है, एक मुसलमान हिंदू की अर्थी उठा रहा है। ये कौन सी दुनिया है, कहीं इसी में रम न जाए संसार, महाबली सोचता है, कहीं नीले आकाश के पक्ष में लोग कल घर से निकलने से ही इनकार न कर दें, कहीं नीले आकाश के पक्ष में लोग कल घर से निकलने से ही इनकार न कर दें, वे जुगनुओं के लिए रोज थोड़ी देर बत्तियां न गुल करने लग जाएं, वे जुगनुओं के लिए रोज थोड़ी देर बत्तियां न गुल करने लग जाएं, वे पेड़ों की जगह अपनी इच्छाओं पर कुल्हाड़ियां न चलाने लग जाएं, वे एक ही कमीज और पैंट में महीना न काटने लग जाएं, वे एक ही कमीज और पैंट में महीना न काटने लग जाएं। चिंतित है महाबली, चिंतित है महाबली कि कहीं विकास का पहिया थम न जाए, कहीं युद्ध बंद न हो जाए, अलकायदा के लड़ाके हथियार छोड़कर कहीं अफगानी क्रिकेटरों के, फिर से पढ़ना चाहूंगा, अलकायदा के लड़ाके हथियार छोड़कर कहीं अफगानी क्रिकेटरों से क्रिकेट न सीखने लग जाएं, किम जोंग उन बाल मुड़वाकर किसी बौद्ध विहार में ओम मणि पद्मे हुम के जाप में न लग जाए। वह डरा हुआ है कि लोग कहीं उससे डरना बंद न कर दें, कहीं उसका नीला रक्त लाल न हो जाए, कहीं उसका नीला रक्त लाल न हो जाए। दोस्तों, ये हमारे समय की कविता है, हमारे जिन हालातों के बीच हम रह रहे हैं वो कविता है, और तमाम कविताएं हमारी अपनी ही बात कहती हैं, शायद इसीलिए हम कोई भी कविता पसंद करते हैं। हमें लगता है कि यही तो मैं कहने जा रहा था, और वो बात ये कविता उतनी खूबसूरती से रख रही है, और फिर वही बात मैं और लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरी कल्पना में ये है, मेरे मन में ये है। कितना खूबसूरत माध्यम है कविताएं हमें जोड़ने का, अपनी बात एक दूसरे तक पहुँचाने का। ये खूबसूरत माध्यम और ये कविताओं की खूबसूरत साझेदारी बनी रहेगी, जैसा कि अभी साथी चंदन ने बताया कि अगली मुलाकात हमारी 15 अगस्त को होने वाली है। आज जितने लोगों ने भी यहाँ पे कविता पढ़ी उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने सुनी और जो सुनेंगे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इस मुहिम में शामिल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऑनलाइन हम कुछ शुरू कर चुके हैं, इसमें जो लोग भी शामिल रहे उनका बहुत बहुत धन्यवाद।